नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कल शाम को मैंने एक ये न्यूज़ बताई थी, यूपीडा के जो ट्विटर अकाउंट पर ये न्यूज़ की गई थी। आज इस पर डिटेल्स आ गई हैं जो मैं गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को मिलेंगी उत्कृष्ट श्रेणी की सुविधाएं। सतीश महाना। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को मिलेंगी उत्कृष्ट श्रेणी की सुविधाएं, सतीश महाना जी ने बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का प्रस्तुतिकरण कैबिनेट से मंजूरी के लिए तैयार हुआ। पूरा राजस्व एवं राज्य मुख्यालय। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को उत्कृष्ट श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही एक्सप्रेसवे की जद में आने वाले जिलों में औद्योगिकरण को रफ्तार भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बात मंगलवार को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने यह भी कहा कि सभी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं तथा कैबिनेट से पास कराने वाले संबंधित प्रस्तावों को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा और PPP मॉडल पर इस पर जो है बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इसका पता ही है आप लोगों को, इसकी लंबाई लगभग 594 किलोमीटर होने वाली है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें वाहन दौड़ सकेंगे। इसके किनारे पर इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा है कि शाहजहांपुर के समीप हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। गंगा नदी पर 900 मीटर एवं राम गंगा नदी पर 700 मीटर 20 मीटर का पुल प्रस्तावित है। मेरठ एवं प्रयागराज में एक एक टोल प्लाजा और 15 रैंप टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है। साथ ही किनारे 9 जन सुविधा परिसर का भी निर्माण कराया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमान लागत 36,410 करोड़ रुपए है और जिसमें से 9,255 करोड़ रुपए जो है भूमि अधिग्रहण में व्यय होने हैं। मंत्री जी ने जो खास बात है बताया है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर टोल टैक्स का एक मुफ्त बेच कर मोनेटाइजेशन के जरिए 4,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। PPP मॉडल पर नियोजकों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे और साथ साथ ये भी जाएगा कि जिलेवार अलाइनमेंट परियोजना व अनुमानित लागत को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। परियोजना से धन जुटाने को PPP मॉडल पर नियोजकों से प्रस्ताव मांगा जाएगा और इस प्रक्रिया को ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। यूपीडा के लिए तकनीकी सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने व विदेशी निवेश की संभावना तलाशने के लिए उच्च स्तरीय जो मंजूरी भी दी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ इसके जो एक्सप्रेसवे के किनारे जो भी ज़िले पड़ेंगे वहाँ पर उन ज़िलों में औद्योगिक विकास को भी बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और औद्योगिकरण को रफ्तार मिलेगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। बहुत जल्द हम आपको हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत